नमस्कार, मेवाड़ मार्बल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने जो आपको वीडियो डाला था, राजस्थान ब्लैक ग्रेनाइट, उसके बाद में बहुत सारे फोन कॉल्स भी आने लगे, कस्टमर ने भी पूछा और मेरे ध्यान में भी आया कि राजस्थान ब्लैक और साउथ के ब्लैक में क्या डिफरेंस है। इसके ऊपर मुझे आपको बताना चाहिए, आपकी मदद करनी चाहिए इस विषय के ऊपर, तो मैं आज उसी सब्जेक्ट के ऊपर आपकी मदद कर रहा हूं। दोनों, अगर आप पूछेंगे कि मजबूती के हिसाब से कौन सा लगाऊं, तो दोनों बराबर है। आप किचन के प्लेटफॉर्म पर चाहे राजस्थान का ब्लैक लगाओ, चाहे आप साउथ का ब्लैक लगाओ, आप विंडो के अंदर या दरवाजे के अंदर राजस्थान का लगाओ चाहे साउथ का लगाओ, आपको कोई फर्क नहीं है। फर्क उसका सरफेस के ऊपर है, ये ऊपर से जो दिखता है उसके ऊपर है। मोटे तौर पे देखते हैं तो साउथ का जो ब्लैक है वो डार्क ब्लैक होता है और राजस्थान का ब्लैक उसके सामने इतना डार्क नहीं है, थोड़ा लाइटनेस है। और साउथ का ब्लैक जो है उसमें ग्रेन एकदम बारीक होता है और राजस्थान के ब्लैक में ग्रेन थोड़े बड़े बड़े होते हैं। कल वाले वीडियो में आपने देखा होगा। देखिए, ये मेरे पास, मैंने इधर सैंपल लाके रखा है, ये देखिए आप, इसमें क्लियर आपको पता चल रहा होगा कि ये जो ब्लैक है ये साउथ का है और इस साउथ के ब्लैक के ग्रेन और इस राजस्थान ब्लैक के ग्रेन में कितना डिफरेंस है। इसमें बड़े बड़े दाने हैं, बड़े बड़े ग्रेन हैं और इसको लाइट भी, लाइट और डार्क में भी आपको अंतर दिख रहा होगा, ये एकदम डार्क है। पुराने जमाने में जो टेलीफोन आता था जिसको अपन इस तरह से नंबर घुमा के डायल करते थे, वो जो टेलीफोन का जो डिब्बा होता था उसका कलर जिस तरह से डार्क होता था, वैसा अगर ब्लैक आप चाहते हैं तो साउथ में ही मिलेगा, राजस्थान में उस तरह का ब्लैक नहीं मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा अंतर अगर अपन देखते हैं तो पॉलिश में है। वहां ये बहुत हार्ड होता है, साउथ का ब्लैक बहुत हार्ड होने की वजह से इसके अंदर जबरदस्त रूप से पॉलिश आता है और इसको, इसके अंदर जब भी अपन सामने खड़े रहते हैं कभी भी, तो उसका फोटो भी नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि जब अपन फोटो निकालने के लिए वहां जाते हैं तो अपना ही पिक्चर उसके अंदर दिखता है। जैसे मिरर का फोटो निकालना है वो इम्पॉसिबल है, वैसे साउथ के ब्लैक का फोटो निकालना भी इम्पॉसिबल है। और उसके अपोजिट में अगर अपन देखते हैं राजस्थान का ब्लैक, उसके अंदर थोड़ा सा पॉलिश डल आता था, लेकिन अभी राजस्थान के अंदर भी उसका पॉलिश अच्छा आने लगा है, बड़े बड़े पॉलिश प्लांट लगने लगे हैं और उसमें भी पॉलिश अच्छा आने लगा है। लेकिन पॉलिश का अंतर एक तरह से अपन थोड़ा सा बोल सकते हैं, क्योंकि ये हार्ड है तो ऑटोमेटिकली इसमें अच्छा आता है, थोड़ा इसमें कम आता है। इसके अलावा रेट के अंतर में देखें, जो नौ भाव उत्तर भारत में रहने वाले हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू, उत्तराखंड, यूपी और एमपी, छत्तीसगढ़ और आसाम और ये इधर कलकत्ता, यहाँ का जो भूभाग है, यहाँ पर अगर राजस्थान ब्लैक को अगर आप लेते हैं तो वो आपको एक तरह से थोड़ा सा रिजनेबल रेट पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा इजी है। और साउथ वालों के लिए राजस्थान वाला ब्लैक थोड़ा सा महंगा गिर जाएगा, क्योंकि उनको साउथ यानी कि इस लोकल जहां निकलता है उसके आजू बाजू के एरियो के लिए वो अपना ब्लैक लगावे तो उनको रेट में रिजनेबल गिरता है। इसके अलावा अगर अपन देखते हैं तो ये कमर्शियल यूज कम, रेट कम होने की वजह से अपन इसको कमर्शियल यूज कर सकते हैं और ये डार्क, इसके अंदर अगर ग्रेन में फर्क भी होएगा तो ये डार्क होता है, प्रीमियम क्वालिटी माल है, थोड़ा महंगा माल है और इसको अपन कहीं भी, मतलब ऐसा रफ टफ यूज में या महंगा होने से हर कहीं भी नहीं लगा सकते हैं। मोस्टली यही बड़े अंतर है, ज्यादा इसमें कुछ अंतर नहीं है। फिर भी अगर रेट का आप मुझे पूछेंगे कि रेट में क्या अंतर है, तो मैंने कल भी बताया था, राजस्थान ब्लैक 60 रुपए से लेके 80 रुपए तक एक्स राजस्थान फैक्ट्री का रेट होता है, फिर ले जाने का जहां जहां का खर्चा आ रहा है वो खर्चे के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। जबकि साउथ का जो ब्लैक है, अच्छा डार्क वाला ब्लैक अगर अपन देखने जाए तो वो इसे राजस्थान में मिलेगा नहीं, लेकिन वहां जो बारीक ग्रेन का माल है वो 100 रुपए से लेके 160 रुपए तक का माल साउथ में रेट है उसकी, और उसके बाद उसके ऊपर उसका खर्चा लगता है, जीएसटी लगता है, ट्रांसपोर्टेशन लगता है, लेबर लोडिंग अनलोडिंग लगता है।
ये अलग अलग शहरों में फिर उसको अलग अलग रेट में मिलता है। ये जो मैं वीडियो आपको बना के बता रहा हूं डिफरेंस का या किसी प्रोडक्ट का, ये और भी आगे बताता रहूंगा किस शहर तक कितना खर्चा आता है ट्रांसपोर्टेशन का, जीएसटी का, ये भी मैं आपको बताता रहूंगा। और इसके अलावा आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और आप अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। हमारा ये मेरा जो फोन नंबर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम इसमें आपको पूरी हेल्प करेगी। और कोई बिजनेस सीखना चाहता है, जो कि बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाए हैं, अगर बिजनेस सीखना चाहता है तो 9 सितंबर को एक वर्कशॉप हम लोग कर रहे हैं मुंबई में, उसमें भी आप आके बिजनेस सीख सकते हैं। 1 डे का वो वर्कशॉप रहेगा, चाहे आप फ्रेशर हैं या चाहे आप ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं, आपको इसमें बहुत सारी मदद मिलेगी। आप इस फोन पर मोबाइल पर फोन करके अपना जो जानकारी है वो ले सकते हैं। हमारी टीम, मैं मेवाड़ मार्बल पूरा, आपके लिए हर समय मदद करने के लिए तैयार खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच।